क्या मिनी हिंदुस्तान के बारे में पता है? क्या भारत की संस्कृति और हिंदुत्व की झलक और देशों में अपना पहचान बनाई है? जी हाँ, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे। साउथ अमेरिका का सबसे छोटा क्षेत्रफल और आबादी वाला देश सूरीनाम, जो सबसे अलग, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज डच। यहाँ की 60% निवासी डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ कई अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के साथ अलग अलग संस्कृति के लोग भी रहते, जिसमें हिंदू 22% दूसरे नंबर पे आते। 1873 में ब्रिटिश द्वारा एक समझौता में उत्तरी भारत के यूपी और बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर भेजे गए। तब से ये मजदूर वहीं रहकर नागरिकता प्राप्त कर अपने भारतीय परंपरा की संस्कृति को एक नई पहचान दी। ये वहाँ अपनी बोलचाल की भाषा में ज्यादातर भोजपुरी और अवधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वहाँ गए तो ऐसा लगेगा कि हम हिंदुस्तान में ही हैं। इसी कारण इसे लोग मिनी हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की राजधानी पैरामरिबो, जो सूरीनाम नदी के किनारे बसा है और सबसे बड़ा शहर भी है। ये नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसी नदी के तट पर सभी भारतीय जनवरी माह में 15 दिनों तक कुंभ मेला का आयोजन कर अपनी मूल कला संस्कृति की गरिमा बनाए हुए। इसी सूरीनाम नदी को श्रीराम नदी के रूप में भी जानते हैं। यहाँ लगभग 3000 से 5000 के आसपास लोग इस कुंभ मेले का आनंद लेते हैं। 1978 में इस देश में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र खोलकर इस देश में कथक, योग और शास्त्रीय संगीत के साथ हिंदी लोक नृत्य का शुभारंभ किया गया। वैसे यहाँ कई अलग अलग धर्म के साथ कुछ नास्तिक लोग भी वहाँ रहते हैं, जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं। फिर भी इस देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। इस देश का पुराना नाम कोशल था, पर 25 नवंबर 1975 में मिली आजादी के बाद इसका नाम सूरीनाम रख दिया गया। लोग इसे सैंडविच नेशन के नाम से भी जानते हैं। ये जगह भारत से 14,932 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूरीनामी डॉलर यहाँ का मुद्रा है। शिक्षा दर की बात करें तो 92%, फिर भी यहाँ क्राइम रेट ज्यादा देखने को मिलता है। पर्यटक भी असुरक्षा के कारण कम दिखाई देते हैं। कारण है यहाँ की गरीबी। यहाँ ज्यादातर लोग मछली पकड़ कर खाना और बेचना काम करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से खेती की जाती है, पर खेती सभी के पास न होने से लोगों में भुखमरी ज्यादा दिख जाता है, जिसका असर क्राइम पर ज्यादा पड़ता है। यहाँ महिलाएं 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहते। इससे अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ सुरक्षा और शिक्षा की गरिमा कितनी है। फ्रेंड्स, ये मिनी हिंदुस्तान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।